कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई व तीन कृषि कानूनों के विरोध में पुराने कलेक्टोरेट के सामने धरना दिया गया है। धरने में पूर्व गृह मंत्री बाला वचन हुए शामिल। कहा, भाजपा को सरकार गिरानी आती है, कला गरीबों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बढ़ती महंगाई एवं किसान विरोधी कानून को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने में किसान कानून पर अलग अलग वक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य देकर कृषि कानून को काला कानून बताया। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने इन कानूनों को कृषि विरोधी कानून बताया और किसान विरोधी बताया। साथ ही में कहा कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक हम किसानों के साथ हैं। वही भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को सरकार गिराने की कला आती है, जिससे जनता व गरीबों पर भाजपा का ध्यान नहीं है। वे ऐसे जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं और उनकी जो नीतियों की आलोचना कर रहे हैं उसका वे उन नीतियों पर पुनर्विचार करने की बजाय विरोध हर कोई करना चाहता है और हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन जिस तरह से जो व्यवस्था जो बनी उस व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यापारियों के छोटे कारोबारियों के पक्ष में आज पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जितने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो मुख्यालय है, हम्माल है, आड़तीय है, तुलावटी है और छोटे छोटी छोटे जो दुकानदार है, मंडियों का मतलब मंडियों का महत्व खत्म हो जाएगा, वो मंडियों के परिवारों से जुड़े हुए उनका उनका उनकी बेरोजगारी हो जाएगी। दूसरी चीज़ की ये राज्य के बाहर भी फसलों का उत्पादन बेच सकते हैं। मुझे बताओ, बड़वानी का किसान भोपाल बेचने ले जाएगा तो क्या उसको यहाँ से वहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा वो कीमत उसमें जुड़ के मिलेगी? तो तमाम तीनों कानूनों को मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है और अभी 28 तारीख से हाउस जो चलने वाला है, हाउस में भी मैं भी उठाने वाला हूँ, मेरी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बात को उठाने वाले हैं और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। हम किसानों के हितों में पूरी तरह से उनके हितों के लिए हम लड़ेंगे। भाजपा सरकार कानूनों में बदलाव की बात भी कर रही है, यदि सुझाव हो तो उनसे भी बात करें। भाजपा सरकार का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जो सरकारें बनाने का तरीका जो समझ लिया है और बना लिया है कि सरकार बनी बने सरकारों को गिराओ, विधायकों के साथ किस तरह से उनका जो किस तरह से भी कृत्य है, बनी बनाए सरकारों को गिराओ और वहाँ अपनी सरकारें बनाओ, और सरकार इतनी आसानी से वो बनाने लग गए हैं, सरकार आसानी से बनाने के तरीकों को उन्होंने समझ लिया है, तो अब वो किसानों का, बेरोजगारों का, मजदूरों का, प्रदेशवासियों का और देशवासियों को क्यों ध्यान देने लगेगी? लेकिन लोगों की समझ में आने लग गया है कि कांग्रेस कांग्रेस थी और भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। आने वाला समय इनको वो सबक सिखाएगा कि फिर ढेर कर देंगे इनको। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।